नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड पर बात करेंगे जो कि ऑपरेशन रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए, सिंप्लेक्स मेथड में हम मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको ऑप्टी मल्टी कंडीशन पता होनी चाहिए भाई इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑप्टी मल्टी कंडीशन क्या है, जैसे मैक्सिमाइज टाइप का फंक्शन है तो उसके लिए सारे सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये सी जे माइनस जेड जे क्या है, अभी क्वेश्चन में आपको सब पता चलेगा। और मिनिमम जेड होगा तो सारे सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। मतलब आप क्या है, अगर मैक्सिमम है तो उल्टा है, लेस देन इक्वल टू जीरो सभी वैल्यूज, तो हमारा ऑप्टिमिलिटी रीच हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। अभी हम बताएंगे कैसे होंगे ये। और मिनिमम जेड में क्या है, ये सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप इसको ध्यान में रख के चलना है बस, ठीक है। तब देखिए, अब मैक्सिमाइज टाइप की है सिंप्लेक्स मेथड हम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 12x1 + 16x2। अब देखिए क्या करना है इसमें, जो ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है, आप लीनियर प्रोग्रामिंग जो ग्राफिकल मेथड है वो देख चुके हैं, आपको बता रहे क्या है। तो 20x2, अब इसको इनक्वलिटी को हम इक्वलिटी में लाने के लिए यहाँ कुछ सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे s1 इक्वल टू 120 सिंगल एंगल में 8x1 8x2 प्लस कोई दूसरा वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल बोलते हैं इसको हम, ये है 80, ठीक है। अब जितने भी वेरिएबल हैं x1 x2 s1 s2, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेंगे। अभी इतना समझ में आया है तो बताइए, ठीक है। अब इसके लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे हम, देखिए भाई टेबल प्रिपेयर करते हैं इसके लिए। यहाँ पर लिखते हैं हम सी जे, यहाँ पर हम सी बी एन मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर जो मैक्सिमाइज जेड में है, जो भी देखो एक बार यहाँ पर जो मैक्सिमाइज जेड में है, अगर आप सेलेक्ट वेरिएबल ऐड कर चुके हो तो यहाँ भी ऐड होगा 0s1 + यहाँ पर 0s2, यहाँ मैक्सिमाइज जेड में भी ऐड होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब देखिए, तो यहाँ पर बेसिक वेरिएबल है, ठीक है भैया, जो भी चले हुए हम देख लेंगे उनको। और यहाँ पर फिर हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे, कैसे लिखना है अभी बता देते हैं आपको। देखो जैसे कि कौन कौन से चले हुए हैं यहाँ पर, x1 बेसिक वेरिएबल, x2 s1 और s2, ठीक है। और इनके कोफिशियंट क्या है यहाँ पर, 12, ठीक है, 16, 0 और 0, ठीक है, समझ में आया है। फिर यहाँ पर बेसिक वेरिएबल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें सिलेक्ट वेरिएबल के कोफिशियंट क्या है वो यहाँ लिखेंगे, मतलब क्या चल रहे हैं वो आप बताएं। जैसे कि वो है s1 s2, उसके कोफिशियंट क्या चल रहे हैं वो बताओ। कोफिशियंट ऑफ बेसिक वेरिएबल s1 का भी 0 है और s2 का भी हमारा 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डालना है वो देखिए आप, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यहाँ ऊपर, ठीक है भाई, ऊपर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पहली रो 10 20, सिलेक्ट वेरिएबल s1 का कोफिशियंट 1 है, यहाँ पर s2 का कोफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन का कॉलम लिखते हैं तो ये बराबर में जो भी चल रही है वैल्यू 120, यहाँ पर 8 8, आपकी बार यहाँ s1 का 0 है तो s2 का 1 है, बताइए, ठीक है। और बराबर में जो भी है 80, आप ध्यान से समझिए, हमारी इनिशियल टेबल है जो इनिशियल, इसको बोलते हैं हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, वो तो प्रिपेयर हमने कर दी है भाई। अब ये प्रिपेयर होने के बाद देखिए क्या करना है, ये बताइए अगर आपको प्रिपेयर करनी आई है, हर एक क्वेश्चन में आपने ऐसे ही प्रिपेयर करनी है, नो प्रॉब्लम। देखिए आप, प्रॉब्लम है हमारी मैक्सिमाइज टाइप की, तो नीचे से जो यहाँ पर हम की कॉलम पकड़ेंगे तो नीचे से भी मैक्सिमम ही आपने सिलेक्ट करना है। पहले एक बार आप देखिए जेड जे लेंगे हम, जेड जे कैसे होता है वो ध्यान से समझिए, ये आपने पकड़ के इसके साथ गुणा, ठीक है, 0 प्लस में इसके साथ गुणा, तो 0 + 0 = 0। सिमिलरली इसके साथ मतलब क्या कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से समझो, इसके साथ गुणा, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर इसके साथ गुणा, जो भी आए वो वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना भैया। देखो आगे
इसके साथ 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 और फिर प्लस 0 तो 0, तो ये भी 0, ठीक है। अब हमने जो ये बोला था ऑप्टिमेटी कंडीशन ये है मैक्सिमाइज टाइप के लिए सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सी जे क्या है हमारा, है ना, सी जे ये है और जेड जे भी हम निकाल चुके हैं। तो अब हमारा करते हुआ है सी जे माइनस जेड जे निकालने का। तो देखिए सी जे माइनस जेड जे कई बुक में क्या है भैया, ये जेड जे माइनस सी जे भी मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। फिर उसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आपको पता है नेगेटिव कॉमन लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे करवा लेते हैं, आप इससे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपके ऑप्टिमेटिक कंडीशन बदल जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें से वो घटाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें से ये घटाते हैं। चेक करना है कि भाई सारे लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएंगे तो हम रोक देंगे, मैक्सिमाइज टाइप के लिए यही है ऑप्टिमेटिक कंडीशन, है ना। तो हम चेक करते हैं सी जे माइनस जेड जे, देखो तो सी जे माइनस जेड जे करना, तो ध्यान से देखिए सी जे 12 है और ये 0, 12 माइनस 0 12, 16 माइनस 0 16 और 0 माइनस 0 0 और यहाँ पे 0। अब ध्यान से समझिए, अब हमारा काम है हम ऑप्टिमेटिक कंडीशन को चेक करते हैं। ऑप्टिमेटिक कंडीशन पर रीच नहीं है ये अभी, क्योंकि मैक्सिमाइज टाइप के लिए हमारे है सी जे माइनस जेड जे की जितने भी वैल्यूज हैं वे सारी क्या होनी चाहिए भैया, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, या तो 0 बना लो या फिर लेस देन इक्वल टू, वो प्रोसीजर से अपने आप हो जाएगा। तो अभी हमें और इटरेशन इसमें करनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझिए। तो क्या करते हैं भैया, अब ध्यान से यहाँ पर की कॉलम पकड़ना है, तो ये बातें ध्यान से समझिए, पूरे सवाल में यही प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। जो आप फर्स्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में जो भी कार्रवाई करेंगे वही आपने पूरे क्वेश्चन में करनी है, तो ध्यान से समझिए भैया। देखिए तो मैक्सिमाइज टाइप के लिए यहां से नीचे से मैक्सिमम कौन है वही पकड़ना है, मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम है। तो नीचे से सी जे माइनस जेड जे में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताइए कौन है, 16। तो जो भी 16 है उसके सामने जो भी कॉलम है वो हमारा की कॉलम है, क्या हमारा की कॉलम, ठीक है। और ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर की रो के लिए क्या करना है, या तो प्रॉब्लम मिनिमाइज टाइप की हो या फिर मैक्सिमाइज टाइप, हमेशा ऑलवेज लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो 12, यहाँ पर रेशियो लेंगे हम, कैसे लेना है वो बताएंगे हम, रेशियो बिल्कुल आसान है, जैसे ये जो वैल्यू है डिवाइड में ये वैल्यू ये है, इसी तरह से जो की कॉलम के एलिमेंट है उनसे डिवाइड करना है। अब जैसे ये वैल्यूज आ जाती है यहाँ, तो लिस्ट पॉजिटिव कौन है, इनमें पॉजिटिव तो सारी है और पॉजिटिव में लिस्ट कौन है, तो 2, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए तो लिस्ट पॉजिटिव के लिए पहले रेशियो लेंगे, तो 20 से डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ पर वही 8 से डिवाइड करेंगे 10, तो लिस्ट पॉजिटिव कौन है, 6 है। तो इसके जो सामने है हमारा वो क्या, हमारा क्या है वो की रो, यहाँ पे बताइए समझ में आया है या नहीं आया आपको, ठीक है। अगर इतनी सारी बातें समझ में आई हैं तो अब इसका ट्रेसिंग करना है, कैसे ट्रेसिंग करना है वो आप अभी एक टेबल और बनाएंगी, देखते हैं तो ध्यान से समझिए। कुछ बातें ध्यान रखें, जैसे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है की कॉलम और की रो का, वो हमारा की एलिमेंट होता है और इसके जो यहाँ है ये एंट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, और ये हमारा जो सामने आया है हमारा क्या है, लीविंग वेरिएबल, ठीक है भैया। आप देखो मतलब क्या है, ये एंट्रिंग वेरिएबल का मतलब है ये रिप्लेस हो जाएंगे आपस में, कैसे रिप्लेस होंगे आगे दिखाते हैं आपको, टेबल प्रिपेयर करेंगे हम दोबारा से। फिर क्या क्या वैल्यू है, यहाँ था सी जी आई, यहाँ था सी जी जैसी वेरिएबल की थे साथ में, वो हमारे थे एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू, ठीक है। फिर यहाँ सॉल्यूशन का कॉलम बनाया था हमने, फिर रेशो लिया था, वो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर था 12 16 0 0, यहाँ पर हमारा एंट्रिंग वेरिएबल एक्स टू था आपकी बार, यहाँ पर ये बात समझने की, यहाँ पर एक्स टू आ जाएगा और यहाँ पर एस टू सेम रहेगी। अब ध्यान से देखिए, एस टू का तो कोफिशियंट 0 था ही हमारा, लेकिन एक्स टू का कोफिशियंट यहाँ देखिए या ऊपर देखिए 16, समझना है ये चेंज हुआ है। और देखिए
अब जहां पर भी की एलिमेंट आया है इस रो को बनाना बिल्कुल आसान है। ये न्यू रो बनेगी, कैसे बनेगी देखो, की एलिमेंट से डिवाइड कर लो, बिल्कुल आसान फार्मूला है, ओल्ड वैल्यू बटे की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट इसमें 20 है, कौन है की एलिमेंट 20, इंटरसेक्शन पॉइंट को लेना है, तो ये रो आसानी से बन जाएगी, क्या आएगी 20 से डिवाइड करें 1/2 पिछला था हमारा 1 था तो 1/20 और 0, यहां भी 20 से डिवाइड करें तो 6। अब जो ये दूसरी रो है इसको कैसे बनाना है आप ध्यान से समझे, पहली रो को हमने बिल्कुल आसानी से किया है इक्वेशन 1 में कि भैया जो की एलिमेंट आया है उसी से एलिमेंट को हमने क्या किया है ओनली डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आने के बाद अब एस टू देखिए, आप एस टू को हम कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये तो आपको समझ में आ चुकी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, की एलिमेंट से ओनली डिवाइड करना है। आप जिस भी रो को आप फॉर्मेशन करना चाहते हैं उसके सारे एलिमेंट आपने एस टू लिख देने हैं, जैसे हम एस टू को तो उसके सारे एलिमेंट, फिर माइनस में हम एस टू को फॉर्मेशन करना चाहते हैं उसमें की कॉलम में एलिमेंट क्या आया है, की कॉलम में एलिमेंट क्या बना था हमारा, जैसे की कॉलम पकड़ते वक्त 8, उसको सेम लिख देना है। अब गुणानी आप देखिए ध्यान से, अब जो हमारी ये देखो वैल्यू बनी है हमारी, यहाँ लाइन बनी है ना वैल्यू, इसको आप आर वन नाम दे दे, इसको आर टू, अगर आप दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे या ना दे नो प्रॉब्लम, तो आप ये एलिमेंट डिवाइड करते चल 1, 1, 20 और 0। ठीक है, अभी इनको सोल्व कर देना भैया, आपका वही सॉल्यूशन होगा, ध्यान से समझे। अगर यहाँ पर S3 भी होता तो S3 के एलिमेंट को लिखते, वहाँ पर कोई की कॉलम एलिमेंट, यहाँ देखो S3 के एलिमेंट यहाँ, फिर जो भी वहाँ पर की कॉलम में एलिमेंट सेलेक्ट होता वो यहाँ पर, गुणा में हमेशा यही आएगा, जो की एलिमेंट को डिवाइड करने के बाद बनते हैं ना हमारे, गुणा में हमेशा ये इस तरह से करो भैया, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व वोल्व कर लो, कितना होगा देख ये हो जाएगा भैया, हाँ 2 × 4 = 8, सोल्व कर लेना है, 8 × 8 = 0, फिर ये हो जाएगा 4 × 8 = 20, माइनस का 2 × 5 और यहाँ 0 तो ये 1। ठीक है, फिर आगे देखिए आप, और क्या था हमारा 18 था ना, वहाँ देखिए 18 था, तो 80 और फिर यहाँ 8 मल्टीप्लाई में क्या करना है, मल्टीप्लाई में क्या करना भैया, यहाँ पर भी ये था जो 6, तो 8 × 6 = 48, 80 × 48 बटा दे 2 और यहाँ पर 7 है तो 3, 32, यहाँ तक बताइए। यहाँ तक होने के बाद अब देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर रेशियो लेंगे हम किसके लिए, वो बात में लेंगे की रो पकड़ने के लिए, पहले हम की कॉलम लेंगे और की कॉलम से भी पहले हम जेड जे निकालेंगे, जेड जे कैसे निकालना है आपको बताया गया है, इस किसकी मल्टीप्लाई देखो एक कैलकुलेशन बता देते हैं आपको, इस किसकी मल्टीप्लाई प्लस, फिर यहाँ पर 0 × 4 की तो ये 0 × 8, ये कितना आ जाएगा भैया 8। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरह से कैलकुलेट कर देना आपने, इस किसकी मल्टीप्लाई 16, फिर प्लस में ये, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 16 × 1/20 और फिर यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 4 × 16 × 4 = 20, 4/5, फिर आगे देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर भी 0। ठीक है, अब फिर हमें निकालना है CJ − ZJ ऑप्टिमलिटी को चेक करने के लिए, तो कैसे 12 − 8 = 4, 16 × 16 = 0 और ये माइनस का 4/5 0 − 0 = 0। देखिए भैया ऑप्टिमलिटी पर तो नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू हमारे मैक्सिमम के लिए क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ये 0 है, 0 है, लेस देन इक्वल टू ये है, तो अब हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम के लिए, मिनिमाइज होती तो मिनिमम सिलेक्ट करते हैं, तो ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, इसके सामने जो भी होगा वो हमारा होगा की कॉलम। अब ध्यान से देखो, अब जो भी एलिमेंट आए हैं इसे डिवाइड करो, 6 × 1/2 वहां पर 2/1 हो जाएगा, चलो हम डिवाइड कर देता हूँ 2/1 और ये 32/4, तो
8। अब यहाँ पर हमेशा चाहे मिनिमाइज टाइप प्रॉब्लम हो चाहे मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम हो, हमेशा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट होगी। ये है लीस्ट पॉजिटिव, तो इसके सामने जो भी हमारा वो है हमारा की रो, ये की एलिमेंटिंग द इंटरसेक्शन। ठीक है भैया, अगर आपको इतना समझ में आया है तो फिर अब आगे वही इटरेशन, एक और इटरेशन होगा क्योंकि ऑप्टिमिलिटी हमारी नहीं रीच हुई, तो करते हैं एक इटरेशन और यहाँ पर हम करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए भाई, एक और बनाते हैं हम इसके लिए, तो आप सफाई से एक नोट कर लेना भैया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सी बी आई। हाँ, एक बात और देखिए, अब यहाँ पर ये क्या है हमारा एंट्रिंग वेरिएबल, और ये क्या है हमारा जो इसके सामने ये है लीविंग वेरिएबल। ठीक है ना, ये सारी बातें अब चेंज होंगी इस टेबल में, जैसे कि फिर उसके बाद भाई हमारे क्या है यहाँ पर हम सी जे लिखते थे ना, और फिर बेसिक वेरिएबल वो है हमारा x1, x2, s1, 12, 16, 0, 0। देखिए भाई, अब यहाँ पर हमारा क्या है लीविंग वेरिएबल है हमारा s2 और एंट्रिंग वेरिएबल है हमारा x1, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x2 और यहाँ पर s2 की जगह s1, ये इंटरचेंज होंगे हम आपस में। अब इसका कोफिशिएंट तो 16 था ही हमारा, और x1 का कोफिशिएंट क्या है वो बताइए आप। x1 का कोफिशिएंट है हमारा बताइए 12 है। तो अब देखिए, हमने क्या बताया था कि की एलिमेंट होने के बाद सिलेक्ट, तो आपने क्या करना है की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है जस्ट बस। तो कीजिए डिवाइड 4 से 1 0, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे ना, देखो माइनस के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 1/4, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 8। ठीक है, यहाँ कंप्लीट में डिवाइड करना है सॉल्यूशन तक, ध्यान रखना है। अभी तक बना दिया है सिंपल की एलिमेंट से, हमने डिवाइड किया है बिल्कुल, हमने पीछे जैसे ही किया था। अब इसको हमने न्यू बनाना है, कैसे बनाएंगे, कॉलम एलिमेंट आपको पता है क्या सिलेक्ट है इसमें। ठीक है, तो एक बार नहीं, आप जिसको भी नया बनाना चाहते हैं, जैसे इसको बनाना चाहते हैं, तो सारे एलिमेंट लिख लें इसके, ऑफ 1 1/20, 0 और 6 भी है, 6 को मैं यहां लिख लेता हूं। फिर माइनस का निशान लगाएं, यही बता था मैं आपको शॉर्ट में बता रखा, बिल्कुल। फिर ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट में जो भी की कॉलम यहां सेलेक्ट हुआ है, की कॉलम एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, जैसे यहां पर ये एक और होता तो उसमें कोई थ्री मैंने बताया वो आ जाता। अब ऑफ है तो सब जगह से ऑफ, फिलहाल के लिए समझे आप ऑफ। अब देखो मल्टीप्लाई करना है भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई ही करना है, और मल्टीप्लाई क्या करना है, जो हमारी ये न्यू टेबल बनी है जो की एलिमेंट से डिवाइड करने के बाद बनी है, वे एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 -1/10, फिर आगे बताए 1/4, फिर आगे बताए 8। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, देखो आप तो ये 0 हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट आया हमारा 0, दूसरा देखिए यहाँ पर 0, तो फिर दूसरा एलिमेंट आएगा 1 1, फिर आप यहाँ देखिए भाई इसको सोल्व करें थोड़ा सा 1/20, और ये भी मतलब 1/20, ध्यान से देखें, फिर माइनस का 1/20, प्लस का 1/20, तो 2/20, तो 1/10। फिर आगे देखिए ये माइनस का 1/8, और ये 2 4 8, तो 2, माइनस का 1/8 और 2, ये सॉल्यूशन का कॉलम होता है। फिर यहाँ पर एक रेशियो लेने के लिए हम पता आपको, तो देखिए भाई अब की कॉलम पकड़ना है हमने, तो कैसे है, पहले हम उसके लिए जेड जे कैलकुलेट करेंगे। जेड जे कैसे बताया था हमें, ध्यान दीजिए, जेड जे के लिए बताया था मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम रही है हमारी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी हमने जेड जे में से लेने, पहले जेड जे को कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करना बताया था, इसकी मल्टीप्लाई 0 प्लस में फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो 12, 16 प्लस 0 तो यहाँ 16। फिर आगे देखिए यहाँ पर देखिए 16/10 प्लस, आप मतलब मल्टीप्लाई करते चले 16/10 माइनस में 12/10, तो 4/10, 4/10
दस मतलब कि 2/5 सुनना है ना। फिर आगे देखिए 16 की ओर माइनस 1/8 की मल्टीप्लाई प्लस में 12 की ओर 1/4 की मल्टीप्लाई, तो 3 और 8 2 16 माइनस, ठीक है। और फिर यहाँ 16 2 32 और 12 6 तो 128, ठीक है। बताइए यहाँ से समझ में आया है? अब इसमें से आपने क्या करना है, सीजे माइनस जेड से कैलकुलेट करना है, फिर ऑप्टिमलिटी को चेक करेंगे हम। सीजे माइनस जेड से को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 - 12 0 भाई सीजे की जो वैल्यू है, फिर 16 - 16 0, फिर 0 - सीजे - 2/5। एक बार ये इस वैल्यू पर ध्यान दीजिए भैया, तो 16 - 1/8 प्लस में 12 1/4 16 माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस का 1 आएगी वैल्यू, ध्यान देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 है, तो अब फिर 0 - 1 तो -1, समझना है। अब हम ऑप्टिमिलिटी को चेक करेंगे। ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या थी मैक्सिमाइज टाइप के लिए, कि सी जे माइनस जेड जे सारे क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए मैक्सिमम टाइप के लिए, तो 0 0 less than 0 तो ऑप्टिमिलिटी हमारी रीच हो चुकी, मतलब अब हमारा सॉल्यूशन आ चुका। तो उस केस में अब हमारा ये है हमारा सॉल्यूशन, और ये x2 हमारा 16, x1 हमारा 12, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना आया भैया इसके लिए 28, अगर बाई चांस 128 अगर बाई चांस हमारा नहीं आता तो फिर हम क्या करते, यहाँ रेशियो लेते, रेशियो लेते फिर की कॉलम की रो और की उसी तरह से हम रिपीट करते जैसे हमने ये समझाया, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमारा जेड जो भी मैक्सिमम की वैल्यू हमें चाहिए थी ये है, समझना है। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंप्लेक्स मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश करी है कि आप कैसे करते हैं, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया हम की कॉलम कैसे लें और की रो कैसे लें, है ना। अगर आप उसको ध्यान रखते हैं जो कि हमने बताया, मैक्सिमम अगर प्रॉब्लम आए तो उसके लिए यहाँ से मैक्सिमम ही सेलेक्ट हो जाए, है ना, और उससे की कॉलम मिल जाएगी। यहाँ से लिस्ट पॉजिटिव हमेशा जो भी सॉल्यूशन का रेशियो आता है उस रेशियो में से लिस्ट पॉजिटिव रेशियो आपने सेलेक्ट करके की रो सेलेक्ट हो जाएगी, और फिर जो इंटरसेक्शन है वो की एलिमेंट है, फिर इसको बनाने के लिए जस्ट की एलिमेंट से डिवाइड कर देना होता है। फिर जिसको आप इसको नया बनाना चाहते तो ये तो आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी डिवाइड करते ही। फिर जैसे आप इसको आप न्यू वैल्यू के साथ फिल करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज आप लिख लेना जैसे हमने लिखवाई थी सारी, और फिर माइनस में जो इसमें 8 आया था, है ना, जो कॉलम एलिमेंट इसमें सेलेक्ट है वो आपने कॉमन इनको लिख के 8 8 0 1, तो फिर माइनस में क्या करना है, फिर ब्रैकेट लगा के 8 8 सबों को सेम रखना है। फिर मल्टीप्लाई में क्या होगी, जो भी न्यू वैल्यूज बनी है, इस तरह से हमने बताया है। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन खुद करके देखिए, फिर कोई समस्या आती है तो आप बता सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन और समझाएंगे आपको सिंपलेक्स मेथड पर, ताकि आपकी और अच्छी कमांड बन सके। तो आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, समझते रहें, धन्यवाद।